अगर आप भी क्रोम ब्राउजर चला रहे हैं और क्रोम ब्राउजर पर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं और वो जो है जो भी सर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपके सामने नहीं मिल रहा है, मतलब रिजल्ट जो है 404 फाउंड शो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने रिजल्ट को लाने के लिए पहले क्रोम ब्राउजर की जो हिस्ट्री है पहले उसको डिलीट करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री को डिलीट कैसे करते हैं। तो चलिए, साइड में आपको स्क्रीन दिख रही होगी, इस स्क्रीन को लगातार फॉलो करते रहिए। तो चलिए भाई, मैं सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे चले जाता हूँ, तो आपको भी क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर सर्च करके अपना सर्च करके चला जाता हूँ क्रोम ब्राउजर के ऊपर। तो कुछ इस प्रकार का सभी का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाता है। एंड देन उसके बाद में आपको करना क्या है, ऊपर जो है आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा भाई, ये देखो, इस थ्री डॉट पे आपको सिंपल क्लिक करना है एक बार। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखने वाला है। आपको तीसरे नंबर पर यहाँ पर हिस्ट्री दिखेगा, आपके मोबाइल में तीसरे पे ना हो तो आप चौथे पांचवे पे एक्स वाई जेड जहां पर भी हो वहां पर देखकर आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही यहाँ पर मैं हिस्ट्री क्लिक करूंगा तो मेरी यहाँ पर बहुत सारी हिस्ट्री आ जाएगी, जो भी यहाँ पर मैंने खोला होगा, और जो मेरे क्रोम ब्राउजर में बग आ रहा है वो इसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा हो गई है और बहुत टाइम से मैंने क्या है इसको डिलीट नहीं करा है। तो आज डिलीट करना सीख लेंगे। अब करना क्या है तो देखिए, सिंपल यहाँ पर आपको डिलीट ब्राउजिंग डाटा लिखा दिख रहा होगा, क्या लिख रहा है, डिलीट ब्राउजिंग डाटा। तो इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज यहाँ पर शो हो रही होगी, लास्ट आवर, ठीक है, यानी कि टाइम रेंज यहाँ पर देखे होगे, टाइम रेंज के आगे लास्ट आवर। आपको जब तक की भी डिलीट करनी है, जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लिखा आ रहा है, देखो क्या क्या लिखा आ रहा है, आपको लास्ट 15 मिनट की डिलीट करनी है, या लास्ट 1 घंटे की करनी है, या लास्ट 24 घंटे की, या लास्ट 7 दिन, या 4 वीक, या लाइफ टाइम की। तो भाई, अगर आपको लाइफ टाइम की हिस्ट्री डिलीट करनी है तो आप लाइफ टाइम पे करें, 4 वीक की 4 वीक के लिए, अगर लास्ट 15 मिनट की तो लास्ट 15 मिनट। तो चलिए भाई साहब, मुझे लास्ट आवर की करनी है, तो लास्ट आवर पर क्लिक करके मैं डिलीट डाटा पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा रहा है ना डिलीट डाटा, इस डिलीट डाटा पे मैं आपको सिंपल क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद में जो डिलीट जो हिस्ट्री है वो मेरी लास्ट 24 घंटे की या लास्ट 1 घंटे की जो है मैंने क्लिक की है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, वो शो नहीं होगी। तो अगर आपके भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्रोम ब्राउजर के अंदर, तो सबसे पहले आपको अपनी हिस्ट्री को डिलीट करना है, और हिस्ट्री डिलीट करना मैंने आपको सिखा दिया इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।